पांच मिनट पच्चीस खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। मुल्क में आज से बूस्टर डोज देने की मुहिम की होगी शुरुआत। माहिरीन की राय, कोरोना को हराने में बड़ा हथियार साबित होगा बूस्टर डोज। मुहिम में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के संजीदा बीमारी वाले शहरियों को दी जाएगी डोज, डॉक्टर की सलाह होगी जरूरी। आज पांच रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम रियासत के वज़राए सेहत के साथ मरकजी वजीर सेहत की अहम मीटिंग, कोरोना को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज डीडीएमए की बैठक, कोरोना जाब्ते को और सख्त करने पर हो सकती है चर्चा। कोरोना के हालात पर मरकज ने की आला सती मीटिंग, वजीर आजम ने बच्चों की टीकाकारी को और तेज करने की हिदायत दी। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाध। दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में बारिश का अलर्ट, महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाली बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने जी मीडिया से की खास बातचीत, कहा कि किसी किसान और पंजाबी पर नहीं करूंगा कार्रवाई। जी मीडिया से खास बातचीत में वजीर आला चन्नी ने लगाया बड़ा इल्जाम, कहा जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन मैं अपने लोगों के साथ खड़ा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दो दहशतगर्दों को किया ढेर, हसनपुर इलाके में 8 घंटे से ज्यादा चला एनकाउंटर। ब्रिटेन में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ा, 24 घंटे में आए 1,46,390 केस। ब्रिटेन में गुज़िश्ता कोरोना पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर 1,50,000 लोगों की हुई मौत, हुकूमत ने जारी किया आदादोशुमार। इटली में सख्त कोरोना पाबंदियों के सबब वैक्सीनेशन के लिए सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी, यूरोप में ब्रिटेन के बाद इटली कोरोना के सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अमेरिका में सैलाब ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलात, सड़कों और पब्लिक प्लेसेस पर पानी भरा। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के कैंप में लगी शदीद आग, आग से हजारों झुग्गियां जली। भारतीय टीम के साबिक गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा पुराने खिलाड़ियों के साथ एक और वर्ल्ड कप खेलना अच्छा लगता। इंग्लैंड की टीम को लगा बड़ा झटका, जॉस बटलर हुए एशेज से बाहर, उंगली में लगी चोट की वजह से हुए सीरीज से बाहर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 11 जनवरी से शुरू होगा सनराइज इंडिया ओपन, 16 जनवरी तक होंगे मुकाबले। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर इमरान मसूद ने दिया बयान, कहा इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। इंतखाबी जाब्ता अखलाक को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में, यूपी के महाराजगंज में हटवाए गए सियासी पोस्टर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इमारत में लगी आग, हादसे में 19 लोगों की गई जान, मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। ओले से बर्बाद फसलों के बीच रिकवरी करने पहुंची बैंक की टीम पर फूटा किसानों का गुस्सा, अशोकनगर के हैदर गांव में किया गया लाठी डंडों से हमला।
यूपी के रायबरेली में चोरी का बड़ा वाकया है सामने, चोरों ने 5 घरों में की चोरी। तिहाड़ जेल की डिस्पेंसरी को ऑक्सीजन प्लांट में किया गया तब्दील, जेल में आइसोलेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ाई गई। और कश्मीर से उत्तराखंड तक शदीद बर्फबारी, कई जगहों पर रास्ते हुए बंद, उड़ाने भी हुई रद्द।